मेनपुरी आना हुआ है, ऐसे समय में मेनपुरी आना क्या प्रचार का माध्यम माने या कि कोई और कारण है? नहीं नहीं बिल्कुल प्रचार में आदरणीय डिंपल यादव जी के चुनाव के लिए जो एक सहयोग कर सकते हैं, हर पार्टी कार्यकर्ता के दिल में एक तमन्ना होती है कि हम भी कुछ मेहनत करें, कुछ पसीना बहाएं, कुछ कंट्रीब्यूट करें अपनी वर्तमान राजनीति को। आप देख रहे हैं जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का यूज हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। लोकतंत्र में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है जो हो रहा है, और मैं समझता हूँ देश के लोग देख रहे हैं, आने वाले इस चुनाव में लोग जवाब देंगे, क्योंकि इन एजेंसीज के माध्यम से इन संस्थाओं के दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को डरा के धमका के या चुनाव से दूर रख के लोग अगर ये सोच रहे हैं कि चुनाव हरा लेंगे विपक्ष को, तो लोगों को इतिहास याद करना चाहिए। इमरजेंसी में तो तकरीबन सारे नेता बंद थे, लेकिन बावजूद इसके जब जनता खड़ी हुई तो फिर चंडीगढ़ से लेकर कलकत्ता तक खाता नहीं खुला था। बड़ी बात नहीं, इसी तरह की स्थिति का सामना बीजेपी के लोगों को भी करना पड़ जाए। वर्तमान राजनीति पहली बार इतिहास में देखा गया है कि वर्तमान मुख्यमंत्री को जेल में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी है। मामूली लोकप्रियता है क्या? पिछले चुनाव में 70 में से जिन्होंने 67 सीटें जीती हूँ, 5 साल मुख्यमंत्री रह के और अपने काम की दम पर 70 में से 62 जीती हूँ, इतना स्ट्राइक रेट शायद देश के किसी भी मुख्यमंत्री के साथ नहीं होगा जो केजरीवाल जी के साथ है। हेमंत सोरेन साहब जो आदिवासियों का देश का सबसे बड़ा चेहरा है, बीजेपी के लोग बातें तो बहुत करते हैं कि हमने सबका साथ जोड़ लिया है, आप सोचो आदिवासी लोगों के दिलों पर क्या बीत रही होगी कि उनके दिलों में राज करने वाला देश का सबसे बड़ा नेता झूठे आरोपों में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी गवा के जेल में रहना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को जनता देख रही है, ऐसा नहीं है कि जनता इन चीज़ों को नहीं देख रही है और जवाब देगी। मैनपुरी में बहुत लंबे समय से आपका कब्जा रहा है, समाजवादी पार्टी को गढ़ कहा जाता है, नेताजी की विरासत कही जाती है, यहाँ पर डिंपल यादव जी को उतारा गया है। ये जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी क्या बड़े चेहरे से डर गई है अभी तक, जो कि प्रत्याशी उन्होंने अभी तक घोषित नहीं किया है, ये मंथन चल रहा है अब, ये तो बीजेपी के लोग जाने। हम इतना ही कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, हम कोई बड़बोलेपन की बातें नहीं करते। उम्मीदवार कोई भी आए ये बीजेपी का फैसला होगा, लेकिन जो भी आएगा उसकी हार 3 लाख से कम नहीं होगी, ये तय मान के चलिए संभव है। और मैं 3 लाख भी कम बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि 4 जून को जब हम और आप मिले तो मेरी बात में कोई कमी ना रह जाए। संभव है बीजेपी बड़ा चेहरा यहाँ पे उतार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को यहाँ पे घेर सकती है और उनका समय यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके बाकी अन्य क्षेत्रों से रखने के लिए रणनीति बन सकती है। आप मैनपुरी के रहने वाले हो, आप नहीं जानते हो जब जब घेरने के षडयंत्र हुए समाजवादियों को, जब जब हुए, क्या उपचुनाव मामूली हथकंडे हुए थे? सदे नेताजी की चिता की आग ठंडी नहीं हो पाई थी, उनकी अस्थियों को हम लोग हरिद्वार तक नहीं ले जा पाए थे, लोग बयानबाजी करने लगे थे कि मैनपुरी में हम कमल खिलाएंगे, नेताजी के दुख में लोग आंसू बहा रहे थे, उनके दुख से बाहर नहीं आ पाए थे और पुलिस उनके घरों में दबिश मार रही थी। हजारों कार्यकर्ता हमारे ऐसे थे जो पूरे चुनाव के दौरान अपने घरों में नहीं रुक पाए, इससे ज़्यादा क्या होगा? और कुछ तमन्ना अधूरी हो वो भी कर लें, लेकिन जितनी करने की कोशिश करेंगे मैनपुरी के लोग, और मैनपुरी नहीं, अब तो चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का हो रहा है, उस समय केवल मैनपुरी का चुनाव था, पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, मैनपुरी के लोग तो जवाब देंगे ही देंगे, साथ में प्रदेश के लोग भी जवाब देंगे इस तरह के हथकंडों का। इस बार भाजपा सरकार कह रही है इस बार का चुनाव 400 पार, इसको किस तरह से देखते हैं? जबकि वहीं अखिलेश यादव इनका जवाब देते हुए कहा है कि अब की बार 400 हार। ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कह दी, इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूँ साथ ही साथ, कि जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दिए, जिस तरीके से हमारे आपके सबके खातों में 15 लाख पहुंच गए, जिस तरीके से सिलेंडर बहुत सस्ता हो गया है, जिस तरीके से डीजल की कीमत पानी के बराबर हो गई है, उसी तरह से इनके 400 पार का भी दावा है। अब बीजेपी के लोगों की साख वो नहीं रही कि इनके किसी भी नारे को किसी भी वादे को लोग स्वीकार कर पाएँ, क्योंकि 10 साल तक लोग अनवरत तौर पर स्वीकार किए, जो कहा वो सच माने, हर बात को झूठ निकला। रोजगार के मुद्दे पे इनकी झूठ निकली, महंगाई के मुद्दे पर इनकी झूठ निकली, आपके रुपए की डॉलर की कीमत में रुपए की कीमत के मामले में इनकी बात झूठ निकली, इन्होंने कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा, जबकि देश की आज कोई चीज़ बची नहीं है।
क्या बीमा कंपनियां, क्या बैंकें, क्या रेल, क्या तेल, क्या हवाई अड्डे, क्या हवाई जहाज, क्या बचा है बेचने को, क्या सड़कें, क्या बड़े बड़े बंदरगाह, बताओ क्या बचा है बिकने को। तो बीजेपी के लोग जो बात कहते हैं जनता के बीच ठीक उल्टा करते हैं, इसलिए इन बातों का कोई भी असर बीजेपी के लोगों का अब जनता के ऊपर पड़ने वाला ही नहीं है। मायावती भी अपने प्रत्याशी को उतारने, हालांकि उनका बहुत बड़ा जनाधार है, उनका अपना वोट बैंक है, अगर उनकी पार्टी अगर मैदान में आती है तो समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा नुकसान। देखो पार्टी तो उनकी चुनाव में आएगी, क्यों नहीं आएगी, वो एक राजनीतिक दल है, वो जरूर आएंगे, आना चाहिए उन्हें, कितना बड़ा नुकसान कर सकते। लेकिन हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद बीजेपी की बी टीम बन के ना आए, और बीजेपी की बी टीम बन के अगर बहन जी आती हैं तो फिर बाबा साहब का नाम लेना बंद कर दें, क्योंकि बाबा साहब का नाम अगर कोई मिटाने जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब का संविधान खत्म करके उनका नाम मिटाने जा रहे हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कहा था कि मैं जीवित रहूं ना रहूं, देश के संविधान के रूप में मेरी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। और आज जो बीजेपी की सरकार के सामने जो बीजेपी की सरकार कर रही है वो बाबा साहब की आत्मा पर हमला कर रही है, देश के संविधान पर हमला कर रही है। तो अगर आदरणीय बहन जी माया सॉरी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के अगर आती हैं तो कम से कम बाबा साहब का नाम लेना बंद कर दें। इस बार लोकसभा में आप आजमगढ़ से प्रत्याशी हैं, क्या चुनौती लगती है वहाँ पे, कोई बड़ी चुनौती मिलेगी या पिछली बार जैसी कुछ? आजमगढ़ भी मैं कह सकता हूँ मैनपुरी जैसी शानदार सरजमी है, ऐतिहासिक सरजमी है। इटावा मैनपुरी को एक ही माना और नेताजी ने हमेशा कहा कि इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है, और नेताजी की धड़कन की जगह पर मुझे जाने का मौका दिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आजमगढ़ के लोगों में जिस तरह से मैं भी दौरे पे गया था, उत्साह देखने को मिला, बुज़ुर्गों के दिल से जो आशीर्वाद निकला, नौजवानों के दिल में जो उत्साह था, जो हमारी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दे रही थी, मुझे यकीन है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस उम्मीद के साथ मुझे भेजा है उनकी न केवल उम्मीद को पूरा करेंगे, बल्कि मुझे संभवतः ऐसा यकीन हो रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उम्मीदों से भी बेहतर परिणाम आजमगढ़ के लोग देंगे।